गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, 9:45 हो रहे हैं और 9:45 बजे से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। नाश्ता हो गया है और झाड़ू पोछा तो हो गया था मॉर्निंग में, बट यहाँ हुआ किचन में हुआ और बाहर बरामदे में हुआ। इनके बच्चों के रूम में तो अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया। वहाँ मैं गई नहीं मॉर्निंग से लेके, तो वहाँ तो बाद में जाऊँगी मैं, पहले बाकी का काम निपटा लूँगी। क्योंकि उधर गई तो यहाँ पीयू का एग्ज़ाम हो रहा, तो ये नहीं कर पाएगी। तो मैं इस टाइम यहीं के छोटे मोटे काम कर रही हूँ। और आज मौसम अच्छा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ तो इसको देख रही हूँ यहाँ पर कैसे लिख रही है। और पानी मैंने रखा है बाल्टी में, तो मैं जा रही हूँ अभी नहाने उसके। हाँ आप लिखते जाओ, लास्ट में देख लूँगी मैं, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम हो रहा है, जीके का है आज। प्राप्ति गौरव स्कूल गए हैं तो, और पूजा आज प्राप्ति नहीं की थी स्कूल जाते समय, क्योंकि मैं तो नहाई नहीं थी। हाँ आपने भी की थी, अच्छी बात है। और अभी किचन में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पोछा लगाया, मतलब स्लैब वगैरह साफ नहीं किया, बर्तन नहीं धोए, तो उसको मैं देख लूँगी अभी नहाने के बाद। फिलहाल अभी जाती हूँ नहाने, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और पीहू तब तक आप लिखो, तो आती हूँ थोड़ी देर बाद। इसके बाद आप लोग बने रहिएगा। अभी आ गई हूँ मैं नहा के, और इसका एग्ज़ाम हो गया है। और ये इसको दे रखी है मैंने बुक इसके हाथ पे थमाके की, जब तक दीदी और भैया नहीं आए तब तक एक बार रिवाइज कर लो, कल के एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। और बस इसके दो पेपर हैं अब, कल और परसों, और जब तक फाइनल नहीं हुए तब तक थोड़ा सिरदर्दी है इनके साथ, छोटे बच्चों के साथ। सेंड कर दिया मैम को, सेंड कर रखा है ना। और फाइनली अब लग जाते हैं, इसकी इतनी लाइट तेज क्यों कर देते ना। अब लग जाती हूँ मैं काम में, और पता नहीं क्या लग रहा मेरे बाल सा लगा हुआ। आजकल तो घर में हर जगह बाल ही बाल, बाल ही बाल नज़र आ रहे हैं। और पता बहुत डर लगता है कहीं खाने में ना गिर जाएं, इसलिए ये तो ऐसे उड़ते रहेंगे जुल्फें, इसलिए मैं जोड़ा ही बना के रखती हूँ कि कहीं खाने में ना गिर जाए। और अभी दूध गर्म हो रहा है तो चलती हूँ मैं किचन में, और वो लोग भी आएंगे तो लंच तो हमारा 2:30 बजे होता है, तो तब तक उनके लिए कुछ देखती हूँ, कुछ बनाती हूँ। एक एक रोटी खा के गए थे, फैन चल रहा है, हल्की हल्की बारिश हुई बस, अब नहीं हो रही है तो चलेगा। ये आप लोग बने रहिए। और ये देखो, इसको मैंने बोला कि जब तक दीदी भैया नहीं आएगी तुम अकेले यहाँ पर क्या करोगी, थोड़ी देर में वो आने वाले हैं, तब तक कर लो अपना। इसको बिल्कुल भी, इसने कुछ भी नहीं लिखा था उस समय, बीच में हम गांव चले गए थे, इसका कंप्यूटर में से कुछ भी लर्न नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा देख लो थोड़ी देर तक, जब तक वो लोग आते हैं, उसके बाद फिर शाम को पढ़ाई करना। तो यहाँ पे मुंह फुला के बैठ गई, इनके साथ यही समस्या है पढ़ाई के लिए, बोलो तो पता नहीं क्या दिक्कत होती है इनको। और देखिए मुँह फुला के बैठी है, यहाँ पर पूरा गंदा पड़ा हुआ, ये तो हो गया है गर्म। इसको पलट दूंगी मग्गे में, फिर ये वाला गरम करती हूँ। अपने लिए चाय बनाए वो बर्तन भी ऐसे ही है। थोड़ी देर रिवाइज करो, आधे घंटे फिर वो आने वाले, उसके बाद आप लग जाते हैं खेलने में, उसके बाद आप कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं पढ़ती हो आप। यहाँ पे कल का थोड़ा दूध बचा हुआ था और इनके लिए बना रही है नाश्ता। नाश्ता वैसे करके गए थे, एक एक रोटी खा के गए थे स्कूल, लेकिन अभी लंच बनने में टाइम है तो आके बोलते हैं कुछ खाने को दो, तो कुछ खाने, तो मैं थोड़ा सा बना रही हूँ यहाँ पे आटे का हलवा।
तो मैंने घी डाला था कढ़ाई में, और घी गरम होते ही इसमें एक कटोरी आटा डाल दिया। बस ऐसे ही जल्दबाजी वाला ही समझ लीजिए, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बनाया, बस ऐसे ही सिंपल सा हलवा बनाया है। आटा को भून लिया था, उसके बाद इसमें दूध डाला, चीनी डाला, बस बाकी कुछ भी नहीं डाला इसमें, ड्राई फ्रूट वगैरह। तो सिंपल सा हलवा यहाँ पे मैंने बनाया है इनके लिए, और मैंने भी खाया, पीयू ने भी खाया, तो यहाँ पे हलवा बन गया है, ये दूध वाला हलवा है। और इसमें ऊपर से मैं डाल दूँगी फिर से दोबारा से गरम गरम हलवा में घी, तो एक चम्मच घी डाल दूँगी, इससे जो किनारे कढ़ाई पे लगा हुआ है ना वो भी निकल जाएगा, चिपचिपा सा लगा हुआ है ना आटा हलवा, तो ये भी निकल जाएगा। तो इस घी को मैं अच्छी तरह से इसमें मिला दूँगी और पीयू को दे दूँगी, अपने आप खाऊँगी, और गौरव प्राप्ति के लिए, दोनों के लिए ढक करके रख दूँगी। अभी आए नहीं हो, थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने और पीयू के लिए कटोरी में रख दिया है, और ऊपर में इसमें देसी घी डाल दिया है। आटे के हलवा में देसी घी जितना ज़्यादा यूज हो उतना ही टेस्टी होता है, और दूध वाला हलवा तो मुझे इतना अच्छा पानी वाला नहीं लगता जितना दूध वाला लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग खा लेते हैं, मैं और पीहू। और इसे देखिए, दो बार का नाश्ता कर लिया है, अभी तक कढ़ाई में चाटा में चाटा हो गया, इसके बारे में कुछ भी नहीं है उसमें। क्या है लगा हुआ? घी लगा हुआ है, गरम गरम दूध डाली उसमें, तब जल्दी निकल जाएगा। डालूं? उस पे चिपका हुआ है, कुछ नहीं है, गरम गरम दूध डालूंगी मैं थोड़ा सा तो निकल जाएगा। हो गया जल्दी मेरे पास धोने के लिए। कढ़ाई या कुकर इसको चाटने के लिए ना दो, लास्ट में इसकी नेत बढ़ जाती है, तो वही तो पेट भर रखा है, लेकिन चाटने का शौक नहीं है आपको। इसमें दो ठंडा हो जाएगा, फिर डाल देती हूँ मैं, थोड़ा डालो थोड़ा सा, तो जल्दी करो भाई। और हम दोनों ने खा लिया, और ये दोनों कटोरी में दोनों प्राप्ति और गौरव के लिए मैंने यहाँ पे ढक के रख दिया, आते हैं थोड़ी देर में। और ये मैंने यहाँ पे दाल भिगो के रखी है, तो मैं इसको रख देती हूँ गैस में एक सीटी लगाने के लिए, और तब तक मैं दूसरे रूम की करती हूँ सफाई, तब तक इस पर एक सीटी आ जाएगी जब तक मैं दूसरे रूम में सफाई हो गया करती हूँ। होगा। और ये बेचारी यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिया इसकी मम्मी ने, इसको खाली कढ़ाई चाट रही है सुबह से। किसने कहा अच्छा नहीं होता? Thank you.
और यहाँ पे मेरी पूरी रूम की क्लीनिंग हो गई है, और इस लड़की को देखी मेरी बिल्कुल नहीं सुन रही, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, परेशान करके रखा है इसने। मैंने इसको वहाँ पे काम कर पढ़ाई करने के लिए कहा, वो यहाँ आके मेरे पीछे पीछे यहाँ पे उसकी टीवी चला रखी, फ़ोन तो मेरे पास था और टीवी चला रखी, और यहाँ पे इसके डांस हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी इसका मन नहीं लगता पढ़ाई में, इतना परेशान करके रखा है इसने मुझे। तो गाइज वीडियो मेरी इतनी ही होगी आज, प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। बाय बाय।